हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में हमें जो पढ़नी है वो है एक्सरसाइज 2.3। इससे पिछली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे एक्सरसाइज 2.3 में कुछ एग्जाम्पल हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल नंबर 12 लिखा हुआ है, 2x माइनस का 3 इक्वल है एक्स प्लस 2k। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व लिखा हुआ है तो सॉल्व का मतलब होता है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। तो x हम कब जब निकाल पाएंगे, जब हम x की वैल्यू को एक तरफ और बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी तरफ ले जाएं। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए इस x को हम ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस 3 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड। होगा क्या, 2x माइनस एक्स, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस 2 यहीं रहेगा और ये माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस का 3। एक्स बराबर कितना आएगा, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सपोज करिए एग्जाम में कहा जाए कि चेक करना है कि हमारी जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, अगर चेक क्वेश्चन कहता है तो टेकिंग LHS एंड RHS पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 5। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x x इक्वल्स टू 5। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 5 वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे हम यहां पर 5 पुट करेंगे, माइनस 3 इक्वल 5 प्लस का 2। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 10 माइनस 3 इक्वल 7। और देखिए 7 बराबर 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई हमारे राइट हैंड साइड के। Hence proved, हम यहाँ पे लिख देंगे hence proved। तो अगर एग्जाम में चेक करने के लिए आएगा तो इस तरीके से हमें चेक भी करना होगा। एग्जाम्पल 13 देखिए, 5x प्लस का 7/2 इक्वल किसके है, 3/2x माइनस के 14k। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो रिजल्ट हमें निकालने से मतलब है। देखिए, अगर हम इस 3/2x को इधर की तरफ ले आए और 7/2 को इधर ले जाएं तो क्या चीज चेंज होगी, तो देखिए 5x माइनस का 3/2x इक्वल्स माइनस 14 यहीं पर रहेगा और ये प्लस का 7/2 यहाँ जाएगा तो माइनस का 7/2 हो जाएगा। हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 2, यहाँ पर बनेगा 10x माइनस का 3x इक्वल्स यहाँ पर आएगा 2 माइनस का 28 माइनस का 7। 7x अपॉन में 2 इक्वल माइनस का 35 अपॉन में 2। देखिए, अगर इस नीचे वाले 2 डिनोमिनेटर को हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस का 35/2 इंटू का 2, ये वाला 2 ऊपर आ गया, यहाँ से ये कट गया। यहाँ हम इसे डायरेक्टली यहाँ से भी काट सकते थे दोनों के अपॉन में। और x बराबर कितना आएगा, 7 या मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो वैल्यू आएगी x बराबर माइनस का 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बुक में जो सोल्यूशन दे रखा है उसमें बोला गया है दोनों साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। एक ही बात होगी कि हम यहाँ पर ही रिजल्ट पे यहीं पे पहुँचेंगे। तो आप कोई भी मेथड अपनाइए, किसी भी तरीके से कीजिए, बस आपका सोल्यूशन जो करने का तरीका है वो आपका करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, इसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल थे, अब हम सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व भी करना है और इसके बाद चेक भी करना है हमारे रिजल्ट को। तो देखिए, चेक करना मैंने आपको बताया किस तरीके से करेंगे, 3x बराबर 2x प्लस का 18 हमें पहले इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2x इक्वल्स टू 18। अभी 2x यहाँ पर माइनस का हो गया, x बराबर कितना आएगा, 18 आंसर आ गया। अब हमें इसे चेक करना है, चेक हमें लिखेंगे टेकिंग LHS एंड RHS, 3x बराबर 2x प्लस का 18 पुट वैल्यू ऑफ x बराबर 18।
put value of x equals 18, we get 3 into 18 बराबर का 2 into 18 plus का 18, 36 plus 18 equals 18 into 3 is 54, यहां भी आ गया और 54 यहां भी आ गया, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS के, hence proved, ये प्रूव हो गया कि हमारा जो x की वैल्यू 18 ही आएगी। तो देखिए हर एक क्वेश्चन में प्रूव जो है ये आप सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, 5t माइनस का 3 इक्वल्स 3t माइनस का 5। अब देखिए ट्रांसपोज करना है, किसी को भी किसी भी तरफ ले जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं 3t को इधर ले आते हैं। देखिए जो माइनस 5 है ये यही रह गया और हमने किसे चेंज करा है, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लेकर आएंगे, तो जो इसके आगे साइन है वो इस तरफ जाएगा तो साइन भी बदल जाएगा, प्लस का 3 इधर आ जाएगा। इसके बाद 2t बराबर का माइनस का 2 और t बराबर आएगा माइनस का 1, यानी कि t की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, माइनस 1। जब हम रिजल्ट चेक करेंगे तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इक्वल्स 3 इंटू माइनस 1 माइनस 5, जब हम इसे चेक कर रहे होंगे तब। माइनस 5 माइनस 3 यहाँ पे देखिए ये आएगा माइनस 3 माइनस 5, और हमने पढ़ रखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी पिछली क्लास में, या हम ये कहें कि पिछली एक्सरसाइज में, तो जो हमारी यूनिट थी चैप्टर 1 उसमें हमने समझी थी प्रॉपर्टी। तो देखिए माइनस ए सॉरी ए माइनस बी और बी माइनस ए कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम आएगी। यहाँ आएगा माइनस का 8 और यहाँ भी आएगा माइनस का 8, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज में हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए बी हमने सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दिए यहाँ पर। दूसरी बात, एक और चीज का ध्यान रखना है, ये माइनस 5 जो है ये अपने आप में ए है, और ये अगर मैं इसे यहाँ पे बताऊँ आपके लिए तो देखिए एक बार इसे दोबारा से देखते हैं, क्योंकि अगर हम ए माइनस बी और बी माइनस ए करेंगे तो चेंज आ जाएगा। यहाँ पर क्या है देखिए, माइनस 5 अपने आप में एक वैल्यू है, प्लस माइनस 3 ये कुछ इस तरीके से है, माइनस 3 प्लस माइनस 5। अब देखिए प्लस के केस में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, माइनस के केस में नहीं। तो ये हमारा ए, ये है हमारा बी, तो ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के, तो इस तरीके से हमारा ये इक्वल आ जाएगा, माइनस 8 बराबर माइनस का 8। तो ये हमने पिछले चैप्टर में कंप्लीट करा था कि किस तरीके से हम ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर कितना आएगा, टी बराबर माइनस का 1। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, 5x प्लस का 9 इक्वल्स 5 प्लस का 3x। सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 5 माइनस का 9, इसे इस तरफ ले आएंगे और 3x के साथ को इधर ले आएंगे। साइन जो है 9 के साथ में जो साइन है ये इस तरफ जाएगा और 3x का साइन वापस इधर आएगा, 2x बराबर माइनस 4 और x बराबर आएगा माइनस का 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करना है तो 5 इंटू माइनस 2 प्लस का 9 बराबर 5 प्लस 3 इंटू माइनस का 2, माइनस 10 प्लस 9 इज माइनस 1, और इधर देखते हैं 5 माइनस 6 क्योंकि 3 इंटू 2 इज 6 और माइनस साइन है तो माइनस 6 बराबर माइनस 1, ये प्रूव हो गया। बाकी आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हेंस प्रूव। फोर्थ क्वेश्चन, 4z प्लस का 3 इक्वल 6 प्लस का 2z। सारी क्वेश्चन सिंपल है, इसमें देखिए इसे इधर ले आते हैं और इसे इधर, तो 4z माइनस का 2z इक्वल 6 माइनस 3, 2z इक्वल्स 3 एंड z बराबर कितना आएगा 3/2। चेक करेंगे तो 4 इंटू 3/2 प्लस का 3 इक्वल्स, ध्यान रखिएगा जब हम चेक करते तो LHS और RHS को ट्रांसपोज नहीं करेंगे, जो जहां लिखा है उसे वैसे ही लिखे रहने देंगे, सिर्फ हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए 2 से ये 2 टाइम में कट गया, 6 प्लस का 3 इक्वल्स ये यहाँ से कट जाएगा 6 प्लस का 3, दोनों तरफ कितना आ गया 9 इक्वल्स 9, यानी कि LHS और RHS इक्वल आ गए। नेक्स्ट लिखा हुआ है 2x माइनस 1 इक्वल्स 14 माइनस का x, ट्रांसपोज करेंगे 2x, ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा और ये माइनस 1 इधर जाएगा तो ये भी प्लस का, 3x इक्वल्स 15 एंड x इक्वल्स 5, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी 5।
हमें चेक करना है, तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और दोनों साइड को हम इक्वल दिखाएंगे। देखिए यहाँ 9 आएगा और यहाँ पे 10 माइनस 1 इज अगेन 9, तो 9 इक्वल्स 9 आ गया, हमारा LHS और RHS प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8x प्लस का 4 इक्वल्स 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस का 7। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहले तो इसे इधर ही रहने देंगे। ये जो 3 है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, 3x माइनस का 3 प्लस का 7, 8x प्लस 4 इक्वल्स 3x, 7 माइनस 3 इज प्लस का 4। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व। अब हम एक तरफ ले जाएंगे, 8x माइनस 3x इक्वल्स 4 माइनस 4, यानी कि 5x इक्वल 0 और x बराबर कितना आएगा 0/5, और बराबर आ गया हमारे 0 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी इस केस में 0। अब हमें ये चेक करना है, तो चेक करते हैं, 8x प्लस का 4 इक्वल्स 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस का 7। यहाँ 0 रखेंगे तो 8 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 4 बराबर 3 ब्रैकेट में 0 माइनस 1 प्लस का 7, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और ये आएगा माइनस 3 प्लस का 7 डेट इज 4, और इधर भी आ गया 4, तो 4 बराबर 4 के, यानी LHS RHS के बराबर हो गया। हैंस द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बी x इक्वल्स 0। सेवंथ क्वेश्चन, x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस का 10। देखिए हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में है 5, ये इस तरफ चला जाएगा तो ये आएगा 5x, 4 की मल्टीप्लाई इससे और 4 की मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ आएगा 4x प्लस 4 इंटू 10 इज 40, 4x इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 4x इक्वल्स 40। देखिए ये जो एरो मार्क हम कर रहे हैं, इसे आप एग्जाम में मत लिख कर आइएगा कि आपको एरो मार्क करना है। x बराबर आएगा 40, x की वैल्यू 40 आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। चेक करते हैं इसे, तो देखिए x बराबर 4/5 ब्रैकेट में x प्लस 10। जब हम इस रिजल्ट को चेक कर रहे होंगे तब हमें यहाँ पर ट्रांसपोज नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है, 4/5 ब्रैकेट में 40 प्लस का 10, 4/5 इंटू 40 प्लस 10 इज 50। देखिए 10 टाइम में कटेगा, इधर भी 40 आ गया और देखिए इधर भी 40 आ गया। एट्थ क्वेश्चन, देखिए हम ये इक्वेशन सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली जो एक्सरसाइज है यानी 2.4 में इसी तरीके से हमारी, जब हम इसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कुछ इन्हीं फॉर्म में बनेगी। तो अगर हमने इक्वेशन करेक्ट बना ली तो सॉल्यूशन पार्ट तो हम पहले से ही सीख के आ चुके हैं, तो इस तरीके से हम आसानी से कर लेंगे। एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2x by 3 plus का 1 equal 7x by 15 plus का 3। हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक तरफ ले आते हैं x की वैल्यूज को, बराबर ये प्लस 1 है, राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस 1। इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 15 आएगा एलसीएम, 3 को 15 बनाना है तो देखिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो आएगा कितना 10x माइनस 7x इक्वल्स 2। 15 यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3x बराबर 30 और x बराबर 10 के वैल्यू आंसर आएगी, क्योंकि ये 3 इसके अपॉन में आएगा। चेक करना है तो देखिए जहां जहां पर x है वहां पर 10 रखिए, 7/15 इंटू का 10 प्लस का 3, 20/3 प्लस का 1 इक्वल्स, देखिए ये कट जाएगा 3 5 2 5, यानी कि 14/3 प्लस का 3/1। एलसीएम लेंगे दोनों साइड तो यहाँ कितना आएगा 20 प्लस 3/3, इधर एलसीएम लेंगे 3, 14 प्लस का 9, इधर आएगा 23/3 और यहाँ देखते हैं यहाँ भी आएगा 23/3, यानी कि LHS RHS के बराबर आ गया। इट मीन्स कि जो हमारी x की वैल्यू निकली है वो एकदम करेक्ट है, तो आंसर कितना होगा, x इक्वल्स टू 10। नाइन्थ क्वेश्चन, 2y प्लस का 5/3 इक्वल्स 26/3 माइनस का y, और हमें यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए y को एक तरफ लेके आएंगे तो 2y प्लस y इक्वल्स 26/3, यहाँ 5/3 को हमें राइट हैंड साइड लाना है तो -5/3, 3y इक्वल्स 21/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 26 माइनस 5 इज 21, y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 3 इसके मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो अपॉन में 21/9, ये आ गया हमारा रिजल्ट।
अब हमें इसे चेक करना है, तो देखिए किस तरीके से हम चेक करेंगे, 2 इंटू 21 बाय 9 प्लस का 5 बाय 3 इक्वल्स 26 बाय 3 माइनस का 21 बाय 9। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, तो देखिए ये बनेगा हमारा 42 बाय 9 प्लस 5 बाय 3 इक्वल्स, यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं 9 आएगा, तो देखिए 26 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 25 इंटू 3 75 और 3 जोड़ देंगे तो 78 माइनस का 21। इधर एलसीएम लेंगे तो देखिए 42 प्लस का 3 को 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे और नीचे भी, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 57 बाय 9 और यहाँ पर कितना आएगा 57 बाय 9, देखिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। डेट मीन्स वाई बराबर 21 बाय 9 हमारी करेक्ट वैल्यू है। सॉरी यहाँ पर हम इसे और भी छोटा कर सकते थे, ध्यान से देखें तो देखिए 7 थ्रीजा और 3 थ्रीजा 9, यानी कि जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारा 7 बाय 3 आएगा। जब भी हम किसी इंटीजर्स को या हम कहें रैशनल नंबर्स को निकालते हैं तो हमने रैशनल नंबर में एक चीज़ पढ़ते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में नंबर होता है और ये जो रहते हैं पी और क्यू ये इंटीजर्स होते हैं और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी 21 बाय 9 इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होना चाहिए 7 बाय 3। तो एक बार इसे दोबारा से करेक्ट कर लेते हैं, 7 बाय 3 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो देखिए 2 इंटू 7 बाय 3 प्लस का 5 बाय 3 इक्वल्स 26 बाय 3 माइनस का 7 बाय 3। अब देखिए ऊपर सेम वैल्यूज है, डिनोमिनेटर में 3 है दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5 और यहां अगर हम देखें तो 26 माइनस का 7, 26 माइनस 7 इज 19 अपॉन में 3 दोनों के है, तो देखिए 19 बाय 3 इधर भी आएगा, 19 बाय 3 इधर भी आएगा, यानी कि LHS इक्वल्स RHS आ गया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि यदि हम यहाँ पे 14 बाय 6 ले लें या 21 बाय 9 ले लें तो हमारा LHS और RHS हमेशा इक्वल आएगा। अच्छा ये रिजल्ट में चेंज इसलिए आ जाता है या हम ये कहें कि वैल्यू सेम क्यों आ जाती है, क्योंकि ये देखिए ये फैक्टर है 7 और 3, ये हमारा रिजल्ट है। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ ऊपर नीचे या 4 से, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए ये वैल्यू इक्वल आ गई थी। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि हमें बिल्कुल लास्ट में इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसमें जो कॉमन फैक्टर नजर आए वो सिर्फ और सिर्फ 1 हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3m इक्वल्स 5m माइनस का 8 बाय 5। अब देखिए माइनस से बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, बाकी हमारे पास में दोनों ही ऑप्शन है कि हम 3 5m को इधर ले आए और इस वैल्यू को सॉल्व करें, या हम एक काम कर सकते हैं कि 8 बाय 5 माइनस का इधर ले जाते हैं और 3m को इधर ले आते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 8 बाय 5 इक्वल्स 5m माइनस का 3m, 2m बराबर कितना आएगा 8 बाय 5 के, क्योंकि हमें m निकालना है तो ये जो 2 है ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो 8 बाय 5 इंटू 2 इक्वल्स m 4 बाय 5, तो m की वैल्यू कितनी आएगी 4 बाय 5। रिजल्ट चेक करते हैं, 3 इंटू 4 बाय 5 इक्वल्स 5 इंटू 4 बाय 5 माइनस का 8 बाय 5। अब देखिए अगर हम इसमें 5 से 5 काट देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो क्या रहेगी, क्योंकि 5 से 5 काटेंगे फिर दोबारा हम एलसीएम लेंगे, तो बेस्ट क्या है इसे लिखते हैं 12 बाय 5 और इसे इसी फॉर्मेट में एलसीएम 5 ही रहने देते हैं, तो 20 माइनस 8, देखिए दोनों तरफ 12 बाय 5 आ गया, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन पार्ट था m की वैल्यू 4 बाय 5, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। स्टिल इस चैप्टर के यहाँ तक के टॉपिक में, यानी 2.3 तक की एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Thanks for watching my video. Have a nice day.